हर हर महादेव। देखिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ इत्यादि कर रहा है या उसके बालक बालिका का विवाह हो रहा है या बालकों का उपनयन हो रहा है यानी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, ऐसी अवस्था में यदि संस्कारियों की माता यानी वर वधु की माता या वो जिसका बालक का ये उपनयन हो रहा उसकी माता ऋतुमती हो जाती है या यज्ञ करने वाले की पत्नी जो ऋतुमती हो जाती है माने वो रजोदर्शन उसको हो जाता है त्रिदिवसीय, तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या वे यज्ञ में बैठ सकती हैं या उनको हटाने के बाद वो यज्ञ करते रहें, उनको यज्ञ से बाहर कर दिया जाए, संस्कार कर्म से बाहर कर दिया जाए, पिता उस कर्म को कर लें तो पूर्ण माना जाएगा? उस समय क्या करना चाहिए? देखिए इसका निर्णय है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। अथ मंगले मातू रजसी, मंगल कृत्य में संस्कारों में माता के ऋतुमती होने पर या यज्ञ इत्यादि में ऋतुमती होने पर बध्वा वरस्य वा मातु रजो दोषे उपस्थिते विवाहो नैव कर्तव्यो व्रतबंधे समीरितम्। यदि कोई कर्म प्रारंभ होने से पहले ही हो गया तो उसको रोक दे, ये बात है पहले ही है, अगर पांचवें दिन से फिर प्रारंभ करें शुद्ध लग्न देख करके, अन्यथा बध्वा वरस्य वा मातु रजो दोषे उपस्थिते विवाहो नैव कर्तव्य व्रत बंधे समीरितम्। इसी तरीके से उपनयन और विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए। देखो तथा प्रयोग पारिजाते ज्योतिषारे, प्रयोग पारिजात में ज्योतिषार का वचन देते हुए कहते हैं कि उद्वाह व्रत चूडासु माता यदि रजस्वला तदा न मंगलम कार्यम शुद्धौ कार्यम शुभे शुभेक्षुभि। यदि कोई अपना व्यक्ति शुभ चाहता है तो पत्नी की रजो धर्म में होने पर विवाह उपनयन चूड़ा इत्यादि कोई भी संस्कार नहीं करे, परंतु प्रारंभात प्राक विवाहस्य माता यदि रजस्वला तो निवृत्तस्तस्य कर्तव्य सहत्व श्रुति चोदनात्। देखिए श्रुति चोदनात्, श्रुति ने ऐसा कहा है कि सहत्व ये एक साथ ही कर्म होते हैं, माता पिता मिलकर के इन कर्मों को करते हैं तो उनको बाहर तो निकालना नहीं है, उनको उसमें रहना है, इसलिए प्रारंभात प्राग, प्रारंभ का मतलब है यहाँ नांदी श्राद्ध, यदि किसी भी संस्कार में नांदी श्राद्ध होने से पहले ही यदि माता ऋतुमती हो जाती है तो उस संस्कार को न किया जाए, ये शास्त्र का निर्देश है। और नांदी श्राद्ध के बाद यदि होती है तो उनकी जो है शुद्धि करना चाहिए। क्या कि नांदी श्राद्ध कृते पश्चात बटोर माता रजस्वला, यदि माता किसी की रजस्वला हुई और उस बालक का उपनयन संस्कार हो रहा है तो मौंजी बंधम न कुर्वीता गार्ग्य से बचनम तथा, तो गार्ग कहते हैं तो नहीं करना चाहिए, अगर करे तो मातृणाम भोजनात् पूर्वम माता स्पृश्या भवेद यदि तदा कर्म न कुर्वीत यावत भोजन संगता, माता है ना, माता सहैव भुंजीयात ऊर्ध्वम माता रजस्वला व्रतबंधा प्रशस्ता स्यात् इत्याह भगवान यमः। क्योंकि माता के साथ में भोजन होता है, ये जो नांदी श्राद्ध हो गया है या नहीं हुआ है तो नांदी श्राद्ध तो हो ही गया होगा, जब आगे क्रिया बढ़ जाती है तो नांदी श्राद्ध नहीं हुआ तब तो वो कर्म करना ही नहीं है, नांदी श्राद्ध हो भी गया है और उसके बाद यदि मातृ सह भोजन नहीं हुआ है माने यज्ञोपवीत जब होता है तो बालक का कुमार का माता के साथ बैठ करके भोजन कराने का शास्त्र निर्देशन करते हैं, बोले इसी बार एक बार करना है अब तो फिर कभी होना नहीं है, तो उस समय यदि मातृशा भोजन नहीं हुआ है उससे पहले माता यदि रजस्वला हो गई तो फिर संस्कार नहीं होगा, और मातृ भोजन हो गया मात्रा सहैव भुंजीयात ऊर्ध्वम माता रजस्वला
व्रतबंधा प्रशस्त स्यात् इत्या भगवान यम। ऐसा भगवान यम ने ऐसा यम स्मृति में लिखा हुआ है कि मातृ सह भोजन होने के बाद यदि माता रजस्वला होती है तो कोई बात नहीं, तो उपनयन संस्कार हो जाएगा। नांदी श्राद्ध करते पश्चात कन्या माता रजस्वला, यदि नांदी श्राद्ध होने के बाद कन्या की माता रजस्वला होती है, यानी विवाह की बात चल रही है, या वर की माता रजस्वला होती है, तो कन्यादानम पिता कुर्यात् इत्यादि अंगिरस भाषितम। यदि माता नांदी श्राद्ध के बाद ऋतुमती होती है तो कन्यादान पिता कर देवे, ऐसा अंगिरा ने जो है कहा है, महर्षि अंगिरा जी का वचन है। और नांदी श्राद्ध कृते यस्य भवेद भार्या रजस्वला विवाहे नैव दोषा स्यात् दोषा स्यान् मौंज बंधने। क्योंकि नांदी श्राद्ध होने के बाद माता ऋतुमती होती है तो विवाह में तो दोष है, परंतु विवाह तो हो सकता है, कब हो सकता है, उस दोष का अपनोदन हो सकता है श्री शांति से, आगे बतलाएंगे कि श्री शांति करने के बाद फिर वो विवाह कर सकते हैं। नांदी श्राद्ध हो गया है लेकिन अभी कन्यादान नहीं हो पाया है, तब तक ऋतुमती होती है तो श्री शांति करके और माता को फिर अलग रख करके उसे अनुमति लेकर के पति पिता मतलब उसका कन्यादान कर देवे। और यदि कह रहे हैं कि विवाह नहीं दोषा स्याद मौनी बंधन है, लेकिन मौंजी बंधन से यज्ञ नांदी श्राद्ध से नहीं लेना देना, उसमें तो जब तक मातृ भोजन नहीं हो जाएगा तब तक उपनयन यानी यज्ञोपवी संस्कार नहीं होगा, मातृ भोजन हो जाए उसके बाद यदि होती है तो कोई बात नहीं है। करोत्यन्यस्य चेद् यस्तु व्रतबंधम विनौ रसम और भार्या तस्य न दोषा स्यात् गुर्विणी वा रजस्वला। देखिए यदि कोई अन्य संस्कार कर रहा है, मामा या और भाई आदि, कोई अपने भाई का या भांजे का विवाह या उपनयन संस्कार करवा रहे हैं, तो फिर उनकी भार्या यदि ऋतुमती हो जाती है तो भार्या तस्य न दोषा स्यात्, उसका दोष नहीं है, भले वो गुर्विणी हो माने गर्भवती हो तब भी कोई बात नहीं है। धर्मार्थम कुरते विप्रो मौंजी बंधन में बचा, यदि कोई ब्राह्मण किसी का धर्मार्थ रूप में वैसे ही संस्कार करवा रहे हैं तो उनकी भी पत्नी यदि ऋतुमती होती है तो भी कोई दोष नहीं है, न दोषो गर्व रजसोत्याह स्मृति संग्रह, ये ऐसा स्मृति संग्रह में कहा गया है। अथोपनयना हेतु मूर्ताच्योत्तरादथ मात्रा सहैव भुंजीयात् विवाहे भार्या सह इति। वो एक अलग बात है कि उपनयन में माता के साथ में और विवाह में भार्या के साथ भोजन करने का शासन निर्देश किया हुआ है, देखिए ये शास्त्र का वचन है। और भी देखिए, संस्कर्त्र पत्नी यदि पुष्पिणी स्यात् संस्कार मात्रम न तदा प्रकुर्यात्। संस्कार कर्ता की पत्नी यदि रजस्वला हो जाए तो वो संस्कार को नहीं करे। यज्ञोत्सव संकटे तु कुर्यात् संपूज्य लक्ष्मी विधि विविध यज्ञता। ये जो है यदि कोई यज्ञ उत्सव ये कुछ भी नहीं करना चाहिए यदि पत्नी ऋतुमती हो जाए, और यदि करना है आवश्यक हो तो संकटे तु कुर्यात्, यदि कोई विशेष प्रकार का संकट हो आगे नहीं कर सकते हैं अभी कर लें तो उस समय कैसे कर सकते हैं, संपूज्य लक्ष्मी विधिवत विधिज्ञ, वो विधिज्ञ विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा करके फिर वो कार्य कर सकते हैं, माने लक्ष्मी शांति करके श्री शांति करके फिर ये जो है कार्य किया जा सकता है। इस तरीके नांदी श्राद्धम चेन न जातम तदा तु कुर्या संस्कारम न कालांतरे स्यात्। नांदी श्राद्धम चेत कृतम लग्न शुद्धि रन्या न स्यात् तरी लक्ष्मी विधानम। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि यदि आपने नांदी श्राद्ध कर दिया है और नांदी श्राद्ध करने के बाद कोई तो आजकल कर्म में नांदी श्राद्ध कर ही नहीं रहे तो वो लोग समझ लें कि भाई इसका कितना महत्व है विवाह में यज्ञोपवीत में जो है यज्ञ में। यदि नांदी श्राद्ध नहीं किया है उसके बाद
कोई रजस्वला हो जाती है किसी की पत्नी, तो वो कर्म खंडित हो गया, उसको कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं ये कर्मकांड प्रदीप में लिखा हुआ है। और यदि नांदी श्राद्ध करेंगे लेकिन अभी करने से पहले हो गया तो मत करिए, रोकने को कह रहे हैं। और यदि बाद में होता है, नांदी श्राद्ध करने के बाद हो गया तो विनायक वो श्री शांति करने के बाद में फिर वो कर्म किया जा सकता है। देखिए पारस्कर गिरी सूत्र की व्याख्या करते हुए भी आचार्य हरिहर ने भी यही लिखा हुआ है। वे कह रहे हैं कि इसमें देखिए मनु महाराज का वचन है, वधू वरान्य तरयोर जननी चेत रजस्वला तस्या शुद्धे परम कार्यम मांगल्यम मनुरब्रवी। उसको शुद्धि करने के बाद फिर कर्म करना चाहिए। अति आवश्यक कर्म हो तो अब नांदी श्राद्ध भी करने के लिए ही जा रहे हैं, कर्म जो आरंभ होने वाला है, तब भी श्री शांति करके कर्म कर सकते हैं। वृद्ध मनु का वचन है, देखिए विवाह व्रत चूड़ासु माता यदि रजस्वला तदान मंगलम कार्यम शुद्धो कार्यम शुभे शुभी। शुभ चाहने वाले के लिए शुभ होने के बाद माने शुद्धि होने के बाद पांचवें दिन पे ही करना चाहिए। मेधा तिथि कहते हैं चौले च व्रत बंदे च विवाहे यज्ञ कर्मणि भार्या रजस्वला यस्य प्रायस्तस्य न शोभनम। उसके लिए ये शोभनीय नहीं है। गर्ग महाराज का वचन है यस्योद्वाहादि मांगल्यम माता यदि रजस्वला तदा न तत् कर्तव्यम आयु क्षय कर्म यथा। यदि वो करता है कोई अपने पुत्रों का संस्कार या स्वयं यज्ञ आदि तो आयु को क्षय करने वाला होता है। बृहस्पति कहते हैं विवाहम च वैधव्यम च विवाहे स्यात्। यदि कोई ऐसा कोई विवाह करते हैं जिनकी माता ऋतुमती है और कन्यादान कर देते हैं तो वो वैधव्य कारक होता है ऐसा विवाह। वैधव्यम च विवाहे स्यात्। एक बात और, आजकल तो कन्या भी बड़ी हो जाती है, कन्या स्वयं ऋतुमती हो जाए तो विवाह में होगा। यदि कोई कन्या ऋतुमती हो जाती है और उसका कन्यादान किया जाता है तो ये शोभनीय नहीं है। या तो रुक जाए, अगर आगे लग्न नहीं है या बहुत वो है कोई कार्य है तो उस समय लिखा हुआ है युन्यान होम करके वो कार्य किया जा सकता है। युन्यान होम का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है, उन मंत्रों से हवन करके वो विधान करके कन्या से जो है रजो दर्शन निकलवा करके उससे कुछ धान कुटवाने का विधान है। इस तरीके से वो खड़े होकर के धान कूटेगी तो रज की निवृत्ति शीघ्र होगी। और कुछ स्नान बतलाए गए, इतनी बार स्नान करा के पंचगव्य का प्राशन करा के और तत्काल के लिए शुद्धि हो जाती है। कन्यादान करने के बाद फिर जो है ये जो है विवाह की विधि की जा सकती है, ऐसा शास्त्र में वचन है। और लिख रहे हैं जड़त्वम व्रत बंधन है, यदि किसी की माता ऋतुमती है और उसका उपनयन संस्कार किया जाता है तो वो जड़ होता है बालक, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, अर्थात मूर्ख तरीके का वो बालक निकलता है। चूड़ायाम च शिशोर मृत्यु हो, यदि किसी की माता ऋतुमती है और चूड़ाकरण संस्कार चौल संस्कार मुंडन संस्कार होता है तो शिशोर मृत्यु, शिशु के लिए बड़ी भारी हानि लिखी हुई है। और विघ्नम यात्रा प्रवेशयो, यदि यात्रा की महान यात्रा के संबंध में जो कार्य पूजन आरंभ कर रहे थे या प्रवेश नगर प्रवेश वधू प्रवेश या गृह प्रवेश इत्यादि प्रवेश हो रहे हैं तो उस समय भी अगर ऋतुमती है तो वो विघ्न होता है, इस कृत्य में बहुत विघ्न आते हैं। आभ्युदयक श्राद्धोत्तरम तु कपर्दिका कारस्तु विशेषा, लिखते हैं आभ्युदय श्राद्ध हो गया हो, नांदी श्राद्ध हो गया हो, उसके बाद यदि ऋतुमति होती है तो सूतको दक्यो शुद्ध्यई गो दद्यात् होम पूर्वकम। यदि कोई सूतिका हो जाती है, बालक हो जाता है किसी माता के, यदि उदक्या माने ऋतुमति हो जाती है तो शुद्धि के लिए गोदान, गोदान करके प्राप्ति कर्मण शुद्धि स्यात् अलावे सुमूर्त से रजो दोषे च संगते श्रियम संपूज्य तत्का तत्कुर्यात् पाणि ग्रहण मंगलम। तो फिर क्या करना चाहिए, गोदान इत्यादि करके और श्री शांति करनी चाहिए अत्यावश्यक स्थिति में। हैमी माशमिताम पद्माम श्री सूक्त विधान आर्चयेत् पत्रिचम पायसम भूत्वा अभिषेकम समाचरेत्। माने सोने की एक माश परिमित लक्ष्मी जी की प्रतिमा बना करके उसकी प्रतिष्ठा करके और श्री सूक्त के द्वारा उसका पूजन करके तथा पत्र प्रतिरिचम पायसम हुत्वा
और श्री सूक्त से पायस से हवन करके तथा इसमें श्री त्र्यंबक रुद्र का भी पूजन होता है, गौरी का भी पूजन होता है, इनका नारायण का भी पूजन होता है, इनका भी पूजन करके ये श्री शांति का विधान दिया होता है शास्त्रों में, वो पूरा करके और अभिषेक करके शुद्धि करके फिर वो कृत्य करना चाहिए। तो इस समय आचार्यों को और यजमानों को दोनों को ही सावधान रहना है, और मुहूर्त के दौरान ऋतुमति यदि माता रहती है, इसकी शांति नहीं की जाती है, तो इसका बड़ा भारी शास्त्रों में जो है कुफल लिखा हुआ है। इसलिए माता को तथा कन्या को ऋतुमति अवस्था में न कन्या दान करे, न माता उनका सहयोग करे, और यज्ञ इत्यादि में भी अगर कोई प्रारंभ हो गया है तो वहाँ भी श्री शांति करके ही ये कर्म करना चाहिए। आजकल की स्थिति क्या है इस बात पर भी विचार कर रहे हैं। आजकल तो माताएं बताती ही नहीं है, किसी के विवाह में जा रही हैं, कि तीर्थों में जा रही हैं, कथा में जा रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं, भोजन बना दे रही हैं, और वो हमको तो पता ही नहीं था भाई कि कौन बताएगा कि तुम ऋतुमती हो, तुम ऋतुमती हो और तुम्हें ऋतु काल में ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कौन बतलाएगा। पहली बात तो ऋतुमती तुम हो, तुम्हें तो पता ही चला जाना चाहिए, और हर महिला को हर माता बहन को ये इसका नियम अवश्य निभाना चाहिए। आजकल कुछ पंडित लोग भी और कुछ धूर्त लोग भी और कुछ इसी कोटि की महिलाएं भी ये कहती हैं भाई ये तो प्राकृतिक है। अरे प्राकृतिक तो मृत्यु भी है, प्राकृतिक तो जन्म भी है, प्राकृतिक तो बहुत से ऐसे कृत्य हैं जो पुरुषों में होते हैं, बहुत से ऐसे क्रियाएं हैं जो स्त्रियों में होती हैं प्राकृतिक हैं, तो क्या इनका हम आलाप कर दें, उत्तेजना आना और भी बहुत सी कृत्य हैं, तो उस समय क्या बोलेगा हमको तो ये हो रहा है तो पशुओं की तरह व्यवहार करें क्या। उस समय रोकना, मर्यादित जीवन को जीना, यही तो शास्त्र की शास्त्रता है, यही तो मानवता है, नहीं तो मानव में और पशु में क्या अंतर रहेगा। ऐसे नियमों का विधिवत पालन होना चाहिए, तभी आप मानव हैं, तभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तभी आप वर्णाश्रम की प्रजा का जो अंग बनेंगे, तभी आप वैदिक हैं, तभी आप कर्म करने का आपको अधिकार है, अन्यथा वो सब गृहित हो जाएगा। इसलिए साधु सावधान, हर हर महादेव।